नालागढ़ नगर परिषद के मोबाइल टॉयलेटों की हालत खस्ता। जब बाढ़ ही खेत की फसल को खाने लग जाए तो क्या होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालागढ़ नगर परिषद की, जहां BBNTA द्वारा नगर परिषद नालागढ़ को लाखों की लागत से बने दो मोबाइल टॉयलेट सौंपे गए थे, जो कि पिछले 1.5 साल से बदहाली की जिंदगी को रो रहे हैं। नगर परिषद के अनदेखी के चलते दोनों मोबाइल टॉयलेटों की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि जितना भी सामान इस टॉयलेट में लगाया गया था वह सब अब चोरी हो चुका है। दरअसल यह शौचालय नालागढ़ क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम में इस्तेमाल करने के लिए दिए गए थे, लेकिन अब यह मोबाइल टॉयलेट सिर्फ एक कबाड़ बनकर रह गए हैं। जानिए इस पर क्या कहते हैं नगर परिषद नालागढ़ के पार्षद महेश गौतम। हमने इसके ऊपर कई बार चर्चा की है, हमारे जो सुधार जी हैं यहाँ पे सुपरवाइजर की पोस्ट पे, उनको बोला था भी इसको कहीं अच्छे तरीके से रखा जाए, इसकी साफ सफाई करवाई जाए, जो इसका नुकसान हुआ उसको पूरा किया जाए। तो अब कई बार हम बोल चुके हैं, कई बार चर्चा हुई है इसके ऊपर, पर जो नगर परिषद कर्मचारी है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हेड होता है, प्रधान होता है शहर का, उसने भी देखना होता है हमारी चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। अभी रिसेंटली कल भी हमारे जो पुराना रेस्ट हाउस है हमारा नगर परिषद का, वहाँ स्टोर बनाया हुआ है, वहाँ भी कल चोरी होने की हुई है वहाँ पे। तो जो कर्मचारी रखा हुआ उसने कल जेई के पास जाके शिकायत की है, भी वहाँ से सामान उठाने की कोशिश की गई है और ताले भी टूटे हैं वहाँ कमरे के। तो नगर परिषद का बहुत ज़्यादा हमारा सामान ऐसी बेस पड़ा है, हम चाहते हैं भाई जो मौके का प्रधान होता है वो इसके ऊपर ध्यान दे, यो साहब ध्यान दे, और जो सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है वो अपनी ड्यूटी को पूरा समझें।